ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बेहद सक्रिय दिख रहे हैं। आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी बदली बदली राजनीति करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का ये अलग अंदाज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर है या फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हिंदुओं के प्रति उनका प्रेम और भी ज्यादा बढ़ गया है। बुधवार को 15 सितंबर को अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने संगठन के नए लोगो और ध्वज का लोकार्पण किया। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बीजेपी और आरएसएस पर देवी लक्ष्मी और दुर्गा के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि ये झूठे हिंदू हैं और धर्म की दलाली करते हैं। ये दोनों दल मिलकर महिला शक्ति को दबा रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग पूरे देश में अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बताते हैं, लेकिन लोग जहां पर भी जाते हैं तो कहीं लक्ष्मी को मारते हैं तो कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर भी यह कहते हैं कि हम हिंदुओं की पार्टी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये लोग झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं और धर्म की दलाली करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने संगठन और नए लोगों और ध्वज का लोकार्पण किया। राहुल गांधी ने एक बार फिर महिला कांग्रेस के मंच से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का जिक्र करते हुए कहा कि अब सवाल पूछता हूँ, जब मोदी जी ने नोटबंदी की तो उन्होंने हमारी माताओं बहनों के घर से के घर में लक्ष्मी शक्ति बढ़ाई या कम की? कम की ना। जब ये नरेंद्र मोदी जी ने किसानों पर 3 कानून लागू किए, इनसे लक्ष्य पूरे करने वाली शक्ति उन्होंने छीनी या उनको दी? छीनी। जब जीएसटी लागू किया, छोटे दुकानदारों के घर में उन्होंने लक्ष्मी और दुर्गा डाली या निकाली? और जब कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लागू किया तो हमने करोड़ों घर में लक्ष्मी की शक्ति डाली या निकाली? जब हमने आरटीआई लागू किया, हमने करोड़ों लोगों के हाथों में दुर्गा की शक्ति डाली, हां या नहीं? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ी, कॉन्स्टिट्यूशन देश को दिया, वन मैन वन वोट दिया, हमने दुर्गा की शक्ति बढ़ाई या कम की? लक्ष्मी की शक्ति ज्यादा की या कम की? राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी, सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है, कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने महिला को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया। तो हमारे लिए चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, दलित हो, आदिवासी हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, हरियाणा का हो, हमारे लिए सब एक हैं। हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, डरा या नहीं? अगर नहीं डरा कांग्रेसी है, अगर डर गया कांग्रेसी बनाना है। कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में बहुत अंतर है, इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में
आरएसएस की बीजेपी की सरकार है। और इनकी आइडियोलॉजी जो है, इनकी जो विचारधारा है और हमारी जो विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या एक विचारधारा देश पर राज करेगी या दूसरी विचारधारा देश पर राज करेगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता होते मैं ये बात समझता हूं कि मैं बाकी विचारधाराओं के साथ कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, मगर मैं आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वही महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस कार्यक्रम के समापन के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लक्ष्मी की शक्ति रोजगार, दुर्गा की शक्ति निडरता, सरस्वती की शक्ति ज्ञान देती है और भाजपा जनता से ये शक्तियाँ छीनने में लगी है। # महिला कांग्रेस फाउंडेशन डे पर हमारा संकल्प है कि ये शक्तियाँ जनता तक पहुँचाने की लड़ाई लड़ेंगे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।